साथियों, सबसे पहले हम चंद्र किशोर पांडे अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से नमस्ते प्रणाम सलाम करते हैं। ढोलक पर लाल बहादुर, हारमोनियम पर अमरनाथ, कोरस में अवधेश और फूल बदन पाहुरी और हमारे एक छोटे भाई हैं। गाने का शीर्षक होगा उत्तराखंड की त्रासदी, संत कबीर नगर के बहादुर फौजी जवान सुधाकर यादव की वीरता। चार लाइन भूमिका में कहना है, मास्टर दे दीजिए। शिव के सहारे श्रद्धालु हैं चढ़ते, बद्री केदार धाम की, बद्री केदारनाथ धाम की चढ़ाई 12,000 फुट ऊंची पहाड़ी होती प्रत्यक्ष जहां पुण्य की कमाई, मोक्ष की धरा पर हुआ ऐसा तांडव, धरती बनी जल प्रलय की है खाई, अंबर को चीर के फटाए से बादल, अरे नहीं भूलती उत्तराखंड की तबाही। नहीं भूलती उत्तराखंड की तबाही। एक लाइन यहां कव्वाली का अंदाज बा मास्टर, कैसे? कि तेरे दर बार का चल के, तेरे दर बार का चल के करीना हम भी देखेंगे, चल के करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे, करीना हम भी देखेंगे। अगर मर जी हुई मालिक तो मदीना हम भी देखेंगे, फौजी जवानन खातिर लाइन लिखल बहो कि कलेजे काहे वो टुकड़ा, कलेजे काहे वो टुकड़ा, वतन की शान है फौजी, किसान है फौजी, वतन की शान है फौजी। सहारा
सहारा बेसहारों की बचाते जान है भौ एजुकमे से कहानी का शुरुआत में कैसे मास्टर साहब कवि जी लिखते हैं कैसे आवेग में मंदाकिनी धन्य है भगवान एकाएक हुआ क्या आवेग में मंदाकिनी विकराल हो चली आवेग में मंदाकिनी विकराल हो बढ़ी वहीं पे वलक नंदा उफान ले चढ़ी धसे हैं सारे रोड पुल ध्वस्त हो गए एकाएक 25 फीट 30 फीट पानी बढ़ गया धसे हैं सारे रोड पुल ध्वस्त हो गए बचाव में जवान सारे व्यस्त हो गए फौज बुलानी पड़ी थी उस समय रस्सी के पुल से सभी को पार कराते बाजी लगा के जान की वह जान बचाते हिम्मत न कभी हारते थकते न कभी हैं हमारे देश के फौजी जवान हिम्मत न कभी हारते थकते न कभी हैं भारत का लाल मौत से डरते न कभी हैं एक लाइन ये जो तरज लगत बाबू देखे उसी समय एक परिवार गया हुआ था के रहल बाबू तर्ज कौन बा यहाँ उहे तर्ज बा माता बहिन लोग आवेली हो कि कनिया का पियर माटी कनिया का पियर माटी कने का कुदार हो केनिया का गोर बिटुआ केनिया का गोर बिटुआ माटी कोड़े जाई हो कानपुर के शेष मरी के सुखवा संतोष बा चारो धाम जाई बये दिन चारो धाम जाई बये दिन जी का भरोस बा चारो धाम जाई बये दिन चल करके चारो धाम घूमूंगा कानपुर के रहने वाले सेठ मरी सेठ जी बाबू तसंगवा में चलल बाड़ी संगवा में चलल बाड़ी गीता दुलहिनिया
आज माई बाबू जाते हुआ पंकज बेटवा के संगे, पंकज बेटवा के संगे श्रेया बीतिया दर्शन से मीती जाला, दर्शन से मीतत सगरी जीवन के दोष बा करब चारो धाम ये जिंदगी का भरोस बा शेष मणि सेठ जी, साथ में उनकी धर्म पत्नी नाम है गीता देवी। एक बेटा था जिसका नाम था पंकज, वह 13-14 वर्ष का पंकज, और एक 9 वर्ष की बिटिया है जिसका नाम श्रेया। चल दी हल लोग बाबू तो राम बाला बस से उतरे, राम बाला बस से उतरे गौरी कुंड नहाए हैं। 14 कोस की कठिन चढ़ाई चढ़ केदार पे आए हैं। केदारनाथ धाम में जब पहुंचते हैं 16 जून मशहूर घड़ी, तब फटा अचानक बादल है, प्रलय मेघ से लगता जैसे धरती धसी रसातल है। धर्मशाला साथ गिरा सैलाब उमड़ता जाता था, अरे कोई चिल्लाता मलबे में खाई में कोई समाता था। धरती धंसने लगी, पानी बढ़ने लगा, वही समय भइल का तरह जहां उहे लगल बा कि पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, उमरी भूमरी के बरस में घवई पहाड़ावा पे, बरसात हमने का नाम नहीं ले रही है। आ जाया जबे बपनिया कबे घवई पहाड़ावा पे, जबे बपनिया का बेगा वही पहाड़ावा पे, उमरी घुमरी के बरसे मेघ वही पहाड़ावा पे। सेठ मरी, शेष मरी सेठ, और उनकी पत्नी का हालत का भइल बाबू। शेष मरी गीता गईले खाई में समाई, छोटका ललनवा पंकज धारा में बहाई, माता पिता खत्म हो गए। एक भाई था वो भी पानी की धारा में बह गया। रोमे श्रेया कौनो न बाथे घवही पहाड़ावा पे, रोमे श्रेया कौनो न बाथे घवही पहाड़ावा पे, उमरी घुमरी के बरसे में घवही पहाड़ावा पे। बच जाती है अकेली वह लड़की बाबू, 9 वर्ष की बिटिया श्रेया। यहाँ तरजबा बाबू कवि जी लिख ले हो, कवन तरजबा मास्टर।
प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। ये देखें, अभी अभी बहुत रुपयों से सम्मानित किए आजमगढ़ शहर के बगल के रहने वाले हैं श्री राजबली यादव जी और उनके छोटे भाई श्री राम लखन यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगन के। लेकिन कवि जी लिखत हो का, जो अपनी जूट जटाओं में, जो अपनी जूट जटाओं में गंगा को बसाने वाला है, डमरू धारी ही रूठ गए, डमरू धारी ही रूठ गए, फिर कौन बचाने वाला है। रो रही है वो लड़की बाबू ट्रेनी में भाव है। अरे सासत में शिव का धाम पड़ गया, बादल फटा है बरसा आसमान से, आफत रहो आफत रहो आप कि मर गईले पंडा के तने, घोड़ा खच्चर मरी गई ले, अरे जिए वाला मरे लेके भूखिया पियसिया। चालीस लोग गाजीपुर के वही श्रेया को सहारा बन ले, अरे बही गई ले उहो तबले धसली बाधरतिया। तमाम धर्मशाला होटल सब पानी में डूब गए हैं। एक बस में बैठ करके विभिन्न गांवों के गाजीपुर जनपद से लोग गए थे वहां। कहते हैं बिटिया घबराओ मत, लेकिन वो लड़की बार बार अपने माँ को अपने पापा को खोज रही है, अपने भाई को सैलाब में बहते हुए देखी थी बाबू। इतने में अचानक धरती धंस गई। आज जब धरती धंस गई ओ समय का भाव बा कि रतिया में श्रेया के हो कापेला करे जावा हो, अरे ओ घर हो खात रहले नोची नोची मसीया। कहीं कहीं पर इंसान ही इंसान को खा रहा है। तो देखी के लाचार भैली
अरे हिम्मत हारी गईली, अरे कुदे चलली धारावा में मुदी के उखिया। माता पिता चले गए, भैया चले गए, कुछ लोग मिले थे जो थोड़ा सा साहस बढ़ा रहे थे, वे लोग भी कहाँ चले गए। एक बार एक धरती धस गई, वो लड़की बची हुई है बाबू, सोच रही है क्यों न इस धारा में कूद करके मैं भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। इतने में भैल का एक जवान आवाज दिया, खबरदार कवनी कारणवा ये बहिनी देत बाड़ू जानावा हो, देत बाड़ू जानावा हो, धैल से का भाऊजी जावान जी। एक फौज का जवान देखा है, डांटता है खबरदार। वो जवान था कौन? संत कबीरन घर का सुधा कर आदो, संत कबीरन घर का सुधा कर आदो, आके बनी गईले भगा वान। रो रही है वो बिटिया, हार्ट ही फेल कर जाएगा। कई दिन का अन्न पानी से भेंट है, तुरंत बिठाता है हेलीकॉप्टर में और लेके चल देता है वो फौजी जवान कहां कि गोचर सपा तालावा में भर्ती करवले जाके, भर्ती करवले जाके, तभाई बानवली राखी बांध। भैया आप बहुत गलत किए हो, मुझे मर जाने दिया होता बचा करके बहुत भारी पाप किए हो। कहा नहीं, दवा हो रही है अस्पताल में। कहा देखो मैं तेरा भैया हूं, तू कह रही है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं तेरा बड़ा भाई हूं और समय समय पे आके तेरा हाल चाल लूंगा। तब वो लड़की रो करके कहती है, क्या कहती है बाबू? और श्रेय कह न तबा, श्रेय कह न तबा, अब निभैया ये भैया हमार सुदिया जनी भूलई है भैया। मैं तेरी बहन हूं, बहन बना लिए हो ना, बार बार बिरना के चूमे कलैया,
अयजल अजधल में बोरिहान जिनकी कन्हैया, अरे रहिया जो हम जल्दी आई है ये भैया, हमार सुधिया ना भुलाई है ये भैया। उसी समय सुधाकर यादव के घर से फोन गया, उसकी पत्नी फोन करती है, बताया अपनी धर्म पत्नी से कि देखो अस्पताल में हूं, एक ऐसी लड़की है नाम है श्रेया, इसके मम्मी पापा भाई सभी खत्म हो गए पानी में धारा में, लेकिन मैंने इसे बहन बना लिया है, राखी बधवा लिया है। इतने बात कहला, इसके बाद ड्यूटी लगी है जवान को, तमाम सामान लेकर के जाना है, ओ समय का भाव बा मास्टर कहना बा पपट में। अरे चढ़ल सुधाकर फौजिन की बात संगमा वही विमानवा में, अरे चढ़ल सुधाकर फौजिन की बस संगमा वही विमानवा में, आ भरल बसगरी राहत को समनवा वही विमानवा में, राहत सामग्री लेके जाना है, जहाज में सब लोड किया गया है। अरे भइल बा धमाका तब विमान छितिरैले हो, अब 20 गो जवान अब साथी मरी गईले हो, गई सुधाकर के बयाल हर जनवा वही विमानवा में, आ टुकड़ा टुकड़ा में बिखरल बतनवा वही विमानवा में। फौज के जवान जहाज लोड करके जा रहे हैं, अचानक जहाज फट गया, उस घाटी में 20 जवान बिल्कुल उनकी शरीर टुकड़े टुकड़े हो गई। कहना बा बाबू हाय, एक और घाटी में बमौसम के तबाही रे भैया, सेना के चल वही में जोखिम अभियान, बेलथरा की लगवा पात नारी बात गुआ भैया, नाहर संजीव वही में भैल कुर्बान, बिलथरा रोड जनपद बलिया पतनारी गांव का रहने वाला संजीव कुमार कन्नौजिया वो भी शहीद हो गया उस सुधाकर यादव के साथ। लेकिन बाते असर फापत बाते असर फापत सुधा कर कगुआ भैया, दुआरा पला
आई उठल बात तूफान। संत कबीर नगर जनपद में लाश पहुंचती है बाबू, रोबताड़ी मंजू अपन धोई के सनुरवा भैया, माई दुर्गावती तहिया हो गईली बेजान। पिता महानंद हो दी वाकर छोटका भैया रहले, ऋषभ ऋतिक दोनों रोवे पापा के परन। कहले दिवाकर बाटे कमांडिंग या पीसर यानू राग जोशी आइल रहले, कहले दिवाकर बाटे ये गोयर मन। लास्ट दरवाजा पर पहुंचल बहो, क्षेत्र की जनता उमड़ पड़ी, लेकिन सुधाकर यादव का छोटा भाई दिवाकर यादव कहता है कि एक बेर भैया का देखा द सूरतिया दादा, भैया नहीं रहले हमरो रहल भगवान। कहले अधिकारी बात टुकड़ा में लसिया बाबू, देख नहीं पाइबा तू होइबा परेशान। मना कर दिया वो अधिकारी, कहा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, छोटे भाई हो ना दुनिया में, औरत पुत्र गुरु और ज्ञानी दोबारा मिल सकता है, लेकिन पीठी पर का भाई हो सहोदर भाई जी के कहल जाला वो फिर दोबारा केहू के मिलेला ना। त मंत्री राजकिशोर सिंह जी आई जी बस्ती के बाबू, पीयूष श्रीवास्तव हो पुलिस का कप्तान। तमाम अधिकारी लोग दरवाजे पर आ रहे हैं, भालचंद यादव अब सू रेंदर दादा संग हवाए, भगवान दास साथ अब्दुल कलाम, पप्पू निषाद हो में धवल के विधायक रहले, सांसद इंद्रजीत अले अलगुह चौहान। तमाम नेता लोग आते हैं, खबर मिल गई उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, हेलीकॉप्टर लेकर के चल देते हैं उस बहादुर सुधाकर यादव की शान में। कवि जी को लिखना पड़ा, कैसे मास्टर क्या लिखते हैं, अरे त्याग सेवा फौजी संदेश भैल है, अघरवा सुधा कर किसी हम अखिलेश
के युवा हृदय सम्राट, शानदार मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी पहुंचते हैं। तब बच्चावन की शिक्षा का जिम्मा पूरा लिहले 25 लाख रुपया का चेक जाके दिहले। कहे शहीदन कर, शहीदन कर ईड़ी पूरा देश भईले। जब मंजू के पास जाते हैं, रो रो के मंजू बताई, आखिरी हो इच्छा मंजू पति का बतवली, और रोई रोई श्रेया का कहानी वो सुनावली। मेरे पतिदेव हॉस्पिटल के अंदर एक श्रेया नाम की लड़की से राखी बंधवा लिए, पूरी जिम्मेदारी लिए थे। उस लड़की के माता पिता भाई सब इस त्रासदी में समाप्त हो चले थे। हमसे बात किए, हमसे बताए, उसी के बाद तो विमान उनका दुर्घटना ग्रस्त हो गया। आखिरी हो इच्छा मंजू पति का बतवली, रोई रोई श्रेया को कहानी वो सुनवली। कहला रिश्ता हमारो विशेष भईले। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तुरंत फोन करते हैं उत्तराखंड की सरकार को, उस लड़की का हाल चाल जाने, ठीक हो गई थी हॉस्पिटल में वो कानपुर की रहने वाली श्रेया। 21 अगस्त 2013 हुए साक्षी, और श्रेया से बनौला अखिलेश यादव राखी। अखिलेश यादव जी भी उस लड़की श्रेया से राखी बंधवाए, वादा किए जितना पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगा और तुम्हारी शादी विवाह की जिम्मेदारी हम और ये पूरी हमारी समाजवादी पार्टी लेती है। 21 अगस्त 2013 हुए साक्षी, श्रेया से बनवले अखिलेश भैया राखी। अरे संसियम से गद गद परदेश भईले, घरवा सुधा कर किसियम अखिलेश अइले। बिहारी रमन श्यामा बेचन स्वर्ग सिधारी, बब्बन भोला विश्वनाथ भरत सियाराम के संग में कवि गिरधारी। सासत में शिव का धाम पड़ गया, राणा चंद किशोर का हृदय कुंज में भारत। सासत में शिव का धाम